So Mishika ji, first of all, really congratulations. First of all, इस फिल्म के बारे में बताइए, रंगीला राजा किस तरह की फिल्म होगी? गोविंदा जी हैं तो ऑफ कोर्स यू नो इट्स अ कॉमेडी फैमिली एंटरटेनमेंट एंड जिसने बनाया है वो फैमिली फिल्म ही बनाते हैं यू नो पहलाद जी तो ये दो भाइयों की कहानी है जिसमें बहुत ज़्यादा यू नो दोनों भाइयों के में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं एक बहुत ज़्यादा साधु टाइप की लाइफ जीता है एक बहुत ज़्यादा यू नो लाइक यू नो रंगीन लाइफ जीता है रंगीन लाइफ का ये मतलब नहीं है कि रंगीन मतलब जो आज के जो दौर में चल रहा नॉट दैट रंगीन ही इज़ वेरी स्टाइलिश पर्सन इन लाइफ और यू नो हिज स्टाइल इज़ लाइक क्वाइट डिफरेंट वो अपने टर्म्स अपने हिसाब से यू नो लाइफ को लीड करने करने में बिलीव करते हैं तो जो राजा कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो इसमें गोविंदा जी डबल रोल प्ले कर रहे हैं जिसमें वो चार कैरेक्टर में स्लिप होते हैं इसमें गोविंदा जी ने पहले जो भी डबल रोल किया है बट दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ डबल रोल इट इज़ समथिंग डिफरेंट क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है उनके कैरेक्टर्स में भी उनके लुक्स में भी लिटरली लगता है कि ये दो भाई प्ले कर रहे हैं इट इज़ नॉट द सेम काइंड ऑफ कि डबल रोल है तो दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं नो इट्स नॉट दैट एंड इन आवर फिल्म लाइक इट हैज़ गॉट द फैमिली थिंग फैमिली लाइक फैमिली कैन वॉच इट सिटिंग टुगेदर और इसमें हम तीन लड़कियां हैं इंक्लूडिंग मी सो वन इज़ डिगांगना वन अनदर इज़ अनुपमा एंड माई सेल्फ इज़ मिशिका सो इसमें एक कैरेक्टर प्ले कर रही है वाइफ का एक कैरेक्टर प्ले कर रही है गर्लफ्रेंड का आई एम विद बोथ ऑफ देम बट एक्चुअली आई एम लाइक मैं दोनों में से किसी के साथ भी नहीं हूँ और इस फिल्म की खासियत ये है कि जो हमारे डायलॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा यू नो इस फिल्म का सबसे बड़ा यूएसपी आई कैन से क्योंकि जो इस फिल्म में जो डायलॉग्स लिखे गए हैं राइटर्स ने और यू नो इन द सुपरविजन ऑफ पहलाद जी तो ये ऐसे डायलॉग्स बहुत ज़मानों से नहीं आए हैं लाइक एग्जाम्पल आई कैन गिव यू राजस्थान में ऊँट चलता है झूठ नहीं चलता तो ऐसे डायलॉग ज़माना हो गए हैं यू नो ऐसे राइमिंग वाले डायलॉग्स नहीं आए हैं बहुत काफ़ी टाइम से प्लस गोविंदा जी का परफॉर्मेंस और हमारे डायलॉग्स हमारा म्यूज़िक इट इज़ ट्रेमेंडसली लाइक यू नो आउटस्टैंडिंग काइंड ऑफ बिकॉज इन ये फिल्म पहलाद जी ने ये सोच के नहीं बनाई है कि गोविंदा कर रहा है या यू नो कोई सलमान कर रहा है या पहलाद जी ने बनाई है कि ये बड़े स्टार की फिल्म है गोविंदा जी अभी फिल्मों में नहीं आ रहे थे बट डज नॉट मीन कि उनका टैलेंट या उनका जो स्टारडम या उनका जो सुपरस्टार वाला जो की है उनके लिए वो कहीं चला गया उन्होंने जो भी आज तक किया उससे भी बेहतरीन तरीके से ये अपने दोनों किरदार निभाए हैं इसमें आपको फुल मसाला फुल एंटरटेनमेंट यू नो फैमिली आराम से बैठ के एंजॉय कर सकती है वैसी फिल्म बनी जो आज के दौर में जो बन रही है लाइक यू नो इफ़ यू सी द वेब सीरीज़ एंड ऑल इट्स नॉट कि फैमिली बैठ के नहीं देख सकती है पेरेंट्स बैठ के नहीं देख सकते बच्चों के साथ नो इट्स नॉट दैट इसमें उन्होंने सारा मिर्च मसाला सारा यू नो ड्रामा एंड प्लस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फिल्म इसमें एक सोशल मैसेज है जो लास्ट में यू नो टू द नेशन ही हैड गिवन तो इन दैट वे इट्स अ वेरी फैमिली हैपनिंग फिल्म ओके आपकी बात की जाए पहली बार गोविंदा जी के साथ काम किया उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा था सी वो तो हैं सुपरस्टार इसमें कोई यू नो सेकंड थॉट ही नहीं है प्लस बट उनके बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी वो बहुत ज़्यादा सुपर डाउन टू अर्थ पर्सन है सुपर हम्बल पर्सन है वो जितने अच्छे ऑन स्क्रीन लगते हैं वो उससे भी कई गुना अच्छे ऑफ स्क्रीन है क्योंकि ऑफ स्क्रीन में तो हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती हम कुछ भी बात कर सकते ऑन स्क्रीन वो लिमिटेशन में यू नो ही हैज़ टू डिलीवर ही हैज़ टू गिव दैट एक्सप्रेशन वो ऑफ स्क्रीन ही इज़ अ माइंड ब्लोइंग पर्सन इतने सुपर हम्बल पर्सन लाइक मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं किसी सुपर स्टार के साथ काम कर रही हूँ और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन दिया इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन दिया जैसे आई रिमेंबर माय फर्स्ट डे ऑफ माय शूट विद गोविंदा जी उनके साथ मेरा जो शॉट था वो 5 पेजेस का था एंड पहलाद जी वॉज नॉट अवेयर अबाउट माई केपेबिलिटी माई कैपेसिटी कि मैं क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी क्योंकि उन्होंने मेरा कोई ऑडिशन नहीं लिया उन्होंने मेरा कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं लिया ही इज़ फेमस फॉर डिटेक्टिंग पीपल यू नो सो दैट वे ही हैड कास्टेड मी जब उन्होंने फर्स्ट सीन मुझे पढ़ने को दिया था आई वाज जस्ट रीडिंग मैंने 2 बार 3 बार पढ़ा गॉड्स ग्रेस आई हैव अ गुड मेमोरी एंड उन्होंने बोला कि ठीक है आप गोविंदा जी 2 बार 3 बार जितने बार रिहर्सल लगे कर लो उसके बाद विल गिव द फाइनल टेक तो गोविंदा जी मैंने रिहर्सल किया 2 बार
the final take was the okay take, and that has become the USP of my character, the my performance. And after that, Pahladji had started, you know, because he is famous for not giving the script to the actors, and was set pe hi apni script, apne dialogues, ye sab karate. Wo set pe hi writers ko, you know, he keeps them there. एंड रही बात तो फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने मेरे यू नो सीन्स बढ़ाना सीन्स लिखवाना ज़्यादा क्योंकि ही हैड फाउंड दैट आई हैव अ गुड मेमोरी आई कैन परफॉर्म वेल आफ्टर दैट परफॉर्मिंग द थ्री मिनट्स इट वेंट फर्स्ट शॉट वेंट अप टू थ्री मिनट्स सम 20 seconds एंड आफ्टर दैट ही वॉज लाइक अच्छा कैन वी ट्राई वन मोर कैन वी जस्ट दिस इज द फाइनल टेक आई एम सेइंग एंड एवरीबडी हैड क्लैप्ड लाइक आई लिटरली tears were rolling from my eyes and Pahladji came and he hugged me and he said you will be the like you know next superstar and this I had predicted for the Divya Bharti when she was there but now after that I have never predicted for anyone and after that I'm predicting for you oh my god I started crying more like this is the that was the moment I cannot forget at all So yeah, it was a mind-blowing experience with Pahladji, with Govindaji, and like you know, I want to say one more thing. Jaise being a newcomer, पहली बात तो chance नहीं मिलता और मिल भी जाता है तो तीन तीन veterans के साथ नहीं मिलता Pahladji, Govinda and Shakti Kapoor. So for me, it became a like you know, मेरी पहली film मुझे gold platter में मिल चुकी है. तो yes, I am very excited and very happy on this. काफी different different locations पर shoot किया गया है तो set पर माहौल कैसा था कुछ off screen मस्ती के बारे में कुछ बताइए yes हमारे set पे like इतनी ज़्यादा energy होती थी energy overloaded ऐसा होता था कि हम अपने packup के बाद भी साथ में बैठ के dinner करते थे we used to make sure कि हम साथ में बैठ के dinner करें we used to play antakshri we used to play like you know badminton after the packup like packup के बाद किसके पास energy होती but हमारे set में like you know 24 घंटे we used to have the same level of energy and I feel that was because that is because of the Pahladji's and set environment he keeps the very family environment कि किसी को भी ऐसा फील ना हो कि यार क्या मतलब कहाँ आ गए बस काम करना काम वाज नॉट द सेक ऑफ इट वाज लाइक यू नो मोर ऑफ फन Pahladji बताते हैं कि पुराने उनके सेट्स में भी लाइक यू नो वो फैमिली को लेके जाते थे शूटिंग में लाइक इफ एक्टर इज कमिंग हिज वाइफ हिज चिल्ड्रन एवरीबडी यूज टू बी देयर लाइक दे यूज टू हैव फन सो वो अपना एनवायरनमेंट ऐसा रखते हैं कि क्रिएटिव स्पेस को कोई डैमेज ना हो ना यू नो बिकॉज ऑफ द मूड स्विंग्स और बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट सो वो उनका एक है कि वो इस चीज़ को मेंटेन करते ही करते हैं ओके गोविंदा जी के साथ काम किया आपने कोई एक सी एक चीज़ जो आपने उनसे सीखी हो जिंदगी भर याद रहेगी आपको यदि कोई चीज़ हो तो बताना चाहोगे आप एक चीज़ नहीं मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी मैं एक चीज़ नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ही इज़ लाइक ऑल इन वन पैकेज उनसे सीखने को लाइक स्टिल लाइक अभी भी मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है He has a very good timing. He has a very comic good timing. He delivers and उनकी खासियत ये है गोविंदा जी की कि अगर वो रीटेक देते हैं अगर उन्होंने कोई एक सीन का रीटेक पांच रीटेक्स दिए तो पांचों के पांचों रीटेक्स में ही विल गिव द डिफरेंट वेरिएशन ही वोंट गिव द सेम मूड सेम लाइक व्हाट इज एक्सप्रेशन वो पांचों के पांचों लाइक यू नो एडिटर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कौन सा शॉट रखूं इतना इतना बेस्ट होते हैं वो पाँचों के पाँचों शॉट कि वो लगता है कि यार ये भी बेस्ट है वो भी बेस्ट है तो वो एडिटर को कंफ्यूज करने वाले कैरेक्टर हैं लाइक यू नो गोविंदा जी तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है ओके लास्टली पूछना चाहिए सेंसर बोर्ड ने कुछ 20 कट की मांग की थी तो इस बारे में आपका क्या कहना है आप क्या कहना चाहते हैं सेंसर बोर्ड की ख्वाहिश के बारे में सी जब तक फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो वी वर सो एक्साइटेड क्योंकि हमारा शूटिंग बहुत स्मूथली वन गो में सारा यू नो कंप्लीट कर दिया था दैट अकॉर्डिंग टू Pahladji's प्लान कि वन गो में ही वांटेड टू फिनिश एंड वी हैड डन इट यू नो ट्रेमेंडसली इट वाज लाइक सो गुड विद ऑल द यू नो एक्टर्स विद ऑल द को एक्टर्स इट वेंट सो वेल But when the time has come for the release, we are literally facing such big problems like, you know, because हमारी film बहुत ज़्यादा filmy है like family entertaining बनी है उसके बाद भी इतने 20 cuts, it's not a joke. Pahladji was a distributor, Pahladji was a producer. Pahladji had holded that seat जहाँ पे authority होती है एक film को sign करने की, you know, censor करने की. So he knows better, like, you know, he knows his job better. So being a producer, he won't make such film कि वो खुद ही trouble में आ जाए अपनी, you know, जब censor कराने जाए. तो उनको पता है rules and like regulation कि क्या बनना चाहिए, क्या पब्लिक तक जाना चाहिए एंड इन प्लेस लाइक इफ़ यू सी के ही इज़ वेरी कल्चर्ड पर्सन तो ऐसा कुछ खुद नहीं बनाएंगे कि उनके उनके ऊपर ही ना उंगली उठे
तो सीबीएफसी में जब वो अपनी चेयर होल्ड कर रहे थे, जब अपनी जिम्मेदारी अपने पूरे दिल से निभा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा उनके उस टाइम पर राइवल्स हो गए होंगे. और जब वो फिल्मों जब वो सीबीएफसी में नहीं रहे, तो उनके उनकी ये न्यूज़ आ गई थी कि ही इज़ कमिंग बैक विद द यू नो लाइक हिज फर्स्ट लव, दैट इज़ कॉल्ड लाइक द फिल्म बी प्रोड्यूसिंग अ फिल्म. तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे उनके बहुत ज़्यादा राइवल्स हो गए होंगे कि चलो अभी ये आ रहे हैं, अभी हम इनको देखते हैं. क्योंकि ये जो सारे जो भी पॉइंट्स और सारे जो भी कट्स दिए हैं, दीज आर लाइक नॉट वैलिड कट्स. अगर प्रहलाद जी गलत होते तो वो उन्होंने बहुत बड़ी प्रेस होल्ड करी थी. अभी लाइक प्रेस को अपने पूरे 20 कट्स 11 मिनट्स कोई प्रोड्यूसर नहीं दिखाएगा, यू नो, मीडिया को. उन्होंने प्रेस होल्ड करी थी मीडिया को, ऑडियंस को, पब्लिक को दिखाने के लिए कि आप बताइए, अगर आप बोलेंगे तो मैं कट कर दूंगा. सो व्हेन ही हैड होल्डेड दैट कॉन्फ्रेंस, सो मीडिया वाज आल्सो लाइक सो सरप्राइज कि आजकल की कैसी कैसी फिल्में आ रही. स्त्री देख लीजिए आप, मनमर्जिया देख लीजिए, अंधाधुन, वीरे दी वेडिंग, क्या क्या डायलॉग्स नहीं है उस फिल्म में. बट उसके बाद भी लाइक यू नो, मुझे लगता है कि दीज आर लाइक ऑल पॉलिटिक्स, ऑल प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हैपनिंग अगेंस्ट हिम, बिकॉज उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बहुत दिल से निभाई थी. तो उन बहुत सारे लोगों ने अपने मन में ग्रजेस रख रखे होंगे एंड ही दे आर कमिंग अप विद देम. ओके, लास्टली कोई मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहोगे रंगीला राजा के लिए? रंगीला राजा बहुत ही ज़्यादा फैमिली एंटरटेनिंग फिल्म है. इट हैज़ गॉट द लाइक यू नो सोशल मैसेज फॉर द वुमेन इन दिस वर्ल्ड, फॉर द लाइक यू नो यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, यू शुड रिस्पेक्ट द फैमिली, यू शुड रिस्पेक्ट द यू नो वैल्यू ऑफ द फैमिली. ब्रदर सिस्टर रिलेशन इसमें दिखाया है, ब्रदर ब्रदर रिलेशन दिखाया है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन दिखाया है. बहुत खूबसूरती से यू नो प्रहलाद जी ने इसको पोर्ट्रे किया है. प्रहलाद जी लाइक अभी कुछ दिनों पहले लाइक मैं किसी से ऐसी बात कर रही थी, देवर लाइक इफ़ यू हैव डन अ प्रहलाद जीज फिल्म, सो ही इज़ फेमस फॉर गुड स्क्रीन प्ले. सो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा. तो इज़ लाइक येस यू आर राइट, बिकॉज इस फिल्म में जो सबसे मेजर बेस्ट पार्ट है, दैट इज़ द स्क्रीन प्ले. बिकॉज यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन, वॉट इज़ यू नो वॉट नेक्स्ट. तो इन दिस फिल्म लाइक म्यूजिक अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, एक्टर्स माइंड ब्लोइंग है, और हमारे पास जो है सबसे बड़ा सुपर स्टार, लाइक आई डोंट बिलीव कि गोविंदा जैसा कोई एक्टर है आज की डेट में. तो आप लोग ये सब फिल्म ये जब रिलीज होगी तो प्लीज़ गो एंड वॉच. Thank you.